टेक न्यूज़ के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए लेजेंड, आज के इस वीडियो में भी कल की तरह ही हम यहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्म खबरें आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और इस बार दोस्तों वीडियो को एंड में थोड़ा सा अलग करने की मैंने ट्राई की है टेक न्यूज़ में। मैं यहाँ पर मोबाइल्स के बारे में तो आपको बताता ही हूँ, लेकिन इस बार जो है दोस्तों वीडियो के एंड में मैंने आपको बेस्ट स्मार्टफोन्स डील्स के बारे में भी बताया है, जिसमें आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पर अगर कोई जो स्मार्टफोन है उस पर अगर डील चल रही है, सस्ते में आपको वो फ़ोन मिल रहा है, तो वो भी दोस्तों मैंने इस वीडियो के एंड में आपको बताया है। और 3 ऐसे स्मार्टफोन है जो आपको इस टाइम सस्ते मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट पर, उसके बारे में मैंने बताया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। खैर चलिए टेक न्यूज सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर दोस्तों फिर से क्राफ्टन की तरफ से आ रही है। कल दोस्तों पबजी न्यू स्टेट इंडिया में और ऑफिशियली लॉन्च हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी सारे यूजर्स को। जैसे ही गेम डाउनलोड करके ओपन कर रहे थे तो 38% पर दोस्तों जो वो प्रोसेसिंग है वो रुक जाता था, उसके बाद गेम ओपन नहीं होता था। एनेबल टू डाउनलोड, अनेबल टू कनेक्ट सर्वर, ऐसा लिखा हुआ आता था। इसके बारे में दोस्तों मैंने कल काफ़ी सारे वीडियोस YouTube पर देखे, तो अगर आपके मोबाइल में भी PUBG न्यू स्टेट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, एक VPN दोस्तों डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको US के सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेना है इंटरनेट, और उसके बाद आपको फिर से गेम को रिस्टार्ट करके ट्राई करना है। काफ़ी सारे यूज़र ने दोस्तों ये ट्राई किया और ये वर्किंग ट्रिक थी, तो अगर आपके मोबाइल में कुछ है ऐसा प्रॉब्लम तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे एक दो दिन में दोस्तों अपडेट आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई VPN लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने PUBG न्यू स्टेट को इंस्टॉल किया है या फिर नहीं। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि Samsung Galaxy S21 FE Geekbench पर लिस्ट हो चुका है, लेकिन आज दोस्तों ये भी पता चल चुका है कि वो कौन से प्रोसेसर के ऊपर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो इंडिया में दोस्तों वो Exynos 21000 वाले प्रोसेसर पर लॉन्च होने वाला है, जो कि सैमसंग का पिछले साल का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर था Exynos का, उस प्रोसेसर के साथ ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, अब ये कंफर्म हो चुका है। अब मोटरोला का दोस्तों एक और स्मार्टफोन Geekbench पर लिस्ट हो चुका है, मोटो जी पावर 2022। इसका मतलब शायद ये 2022 में आ सकता है, लेकिन Geekbench पर ये लिस्ट हो चुका है। और स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों बात करूँ तो MediaTek Helio G35 है, Android 11 है, 4GB RAM वाला वेरिएंट दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, अंडर 10,000 में ये फ़ोन आपको मिलेगा, तो देखते हैं क्या कुछ नया इस फ़ोन में देखने को मिलता है। वैसे एंट्री लेवल का है तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। अब आज की दोस्तों एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से, जो Redmi की Note 11 सीरीज़ को लेकर है। अब दोस्तों चाइना में Redmi Note 11 सीरीज़ लॉन्च हुई है, लेकिन अब दोस्तों ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में जो Redmi की Note 11 सीरीज़ लॉन्च होगी वो दोस्तों उसमें जो है वो डिज़ाइन भी अलग होगा, और उसमें जो प्रोसेसर है वो भी हमें Qualcomm का देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो चाइना में Redmi की Note 11 सीरीज़ लॉन्च हुई है उन तीनों ही फ़ोन में आपको MediaTek के प्रोसेसर मिले हैं, लेकिन इंडिया में जो Redmi Note 11 सीरीज़ आएगी उसमें दोस्तों हमें Qualcomm के प्रोसेसर मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या ये 5G कनेक्टिविटी के साथ ही इंडिया में आएंगे या फिर नहीं, इसके ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जो चाइना में लॉन्च हुई है सीरीज़ वो तीनों के तीनों 5G है, लेकिन अब देखते हैं इंडिया में कौन से Qualcomm के 5G प्रोसेसर के साथ इंडिया में लॉन्च होती है सीरीज़। लेकिन इसके अलावा दोस्तों डिज़ाइन भी चेंज होने वाली है। वैसे जो चाइना में डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो डिज़ाइन को चेंज नहीं भी करेंगे तो भी दोस्तों चलेगा, क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ अलग होता है। अगर कुछ ऑफिशियली न्यूज़ आती है तो वो भी टेक न्यूज़ में आपको ज़रूर से बता दूंगा। ओप्पो का दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन Geekbench पर कल लिस्ट हो चुका है, ओप्पो A55s 5G। स्नैपड्रैगन 480 वाला जो 5G चिपसेट है उस पर ये लिस्ट हुआ है। इसके साथ 5000mAh की बैटरी है, 18W की चार्जिंग है, 4GB रैम है, एंड्रॉयड 11 है। इंटरेस्टिंग दोस्तों प्राइस, देखते हैं कि किस प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च होता है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर है वो गाइस काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इसका नाम दोस्तों कुछ और होने चाहिए था, स्नैपड्रैगन का जो 600 वाला सीरीज़ है उसमें होना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ नया करता है ओप्पो A55s 5G इंडिया में। चलिए अब बात करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन डील्स के बारे में। तो फ्लिपकार्ट पर दोस्तों आपको ये ऑफर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको फ्लिपकार्ट पर इस टाइम देखने को मिल जाएगी। तो पोको F3 GT जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन है, Dimensity 1200 पर फ्लैगशिप प्रोसेसर पर फ़ोन आपको देखने को मिलता है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। 30,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, लेकिन इस टाइम पर दोस्तों फ्लिपकार्ट पर आपको ऑफर में ये स्मार्टफोन 27,000 में देखने को मिल रहा है।
तो 3-4 हज़ार का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस टाइम पर जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और गेमिंग स्मार्टफोन जो कि गेमिंग की दुनिया में दोस्तों आई थिंक नंबर वन गेमिंग स्मार्टफोन है, असूस ROG फाइव फोन। अब ये दोस्तों आई थिंक 55,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, लेकिन इस टाइम पर फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस थोड़ी सी ड्रॉप हुई है और ये आपको 49,999 यानी कि 50,000 के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो 4,000 से 5,000 का वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही डील दोस्तों एक और सैमसंग के फ़ोन पर भी चल रही है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A52S 5G। 36,000 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 778 के साथ। फ़ोन दोस्तों काफ़ी बढ़िया था, लेकिन उस टाइम पर यह थोड़ा सा ओवर प्राइज था। तो इस टाइम पर फ्लिपकार्ट पर ऑफर में ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको 30,500 में 30,000 के अराउंड ही आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर 30,000 में सैमसंग की ए सीरीज़ का वो भी 5G फ़ोन मिल रहा है तो आई थिंक 30,000 में उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा। तो जल्दी से जाकर चेकआउट ज़रूर से कर लें। तो टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है यहीं पर। कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आगे भी ऐसी न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। खैर, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।